हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज बाजाकर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टू वाटर टैप टुगेदर वी फिल आर टैंक इन 9 3/8 आर द टैंक टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मीन्स दो टैब है, वो आपको पता लगाने हैं। अगर अगर वो एक साथ भरेंगे तो इतना टाइम लेंगे, अगर वो अलग अलग भरेंगे तो आपको बताना कि कितने टाइम में भरेंगे। ओके, तो देखिए करते हैं। हमने लेट कर लिया एस, मीन्स स्मॉलर टैंक को एक्स और लार्जर टैंक को एक्स माइनस 10, क्योंकि हमें 10 दिया गया है। घंटे माइनस कर दिए 10। ओके, ये हो गया। जब इनमें 1/1 आवर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 में x means 1 घंटे में x smaller number minus 1/1 में larger क्या आएगा x minus 10 और equal to में ये term है, जब इसको इससे multiply करेंगे plus में ये करेंगे 8, तो 9 7 27 9 7 sorry 9 3 27 27 में हम 4 sorry इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस 3 करेंगे तो आएगा हमारा 7 15 अपॉन में 8। तो हम इसका रेसिपी कर देंगे, मीन्स उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 75। ओके, अब ये करते हैं x ब्रैकेट में x माइनस 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 10 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा इक्वल टू में 8 अपॉन में 75। ओके, तो क्या बचेगा 2x हो जाएंगे, 2x माइनस 10 अपॉन में x x जा x स्क्वायर माइनस 10x जा 10x इक्वल टू में 8 अपॉन में 75। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x 10 को और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 10x को। तो करते हैं, ये हो जाएगा 75 2 जा 115x 75 10 75 100 sorry 75 ओके एक बार करके देखते हैं 75 मल्टीप्लाई 10 से 0 का 0 0 का 0 मल्टीप्लाई में 1 5 5 1 7 7 हाँ यही आएगा ओके। उसके बाद देखिए 8x हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 80x, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जाओ। ओके, अब x वाले टर्म को 8x को इधर साइड लिखते हैं, इधर ये 15x है, इधर ये माइनस कर रखे प्लस का हो जाएगा 80x और इक्वल टर्म में देखिए यहाँ ये माइनस का है 750। ओके, सो इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करके क्या आएगा 0 का 0 5 7 8 8 9 10 11 12 13 13 कैरी 1 2, ये आ गया माइनस का 82 माइनस 750। ओके, ये आ गया एक्स। अब इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 8x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 200 माइनस का माइनस 13x माइनस 750। 8x का स्क्वायर एज इट इज माइनस 200x माइनस 13x माइनस 750, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। ओके, तो कॉमन लेते हैं हम। कॉमन हमने क्या लिया, एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 8x माइनस 200, इधर हमने कॉमन ले लिया 13, अंदर बचेगा 8 सॉरी x माइनस 200। ओके, आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप 8x बाहर लोगे, देखिए अगर आप 8x बाहर लोगे तो अंदर बचेगा x, 8 की टेबल में कितने पे आता है, डिवाइड करते हैं 8 1 8 8 2 16, क्या बचा 4 14 आ गया 5 पे, 25 पे आता है। तो 8x आप बाहर लोगे, अंदर लोगे होगे 25। ओके, यहाँ पे आप लिखोगे 13, यहाँ पे लिखोगे x माइनस 25, मीन्स ये वाले आप लिख भी सकते हो नहीं भी, तो ये वाले टर्म हो गई। अब देखिए 8x, अब हम क्या करेंगे, जो ये इस 8x और इसको एक साइड लिख लेंगे, मींस 8x माइनस 13 इक्वल टू में 0 और एक लिखेंगे x माइनस 25 इक्वल टू में 0,
तो x को हम इधर ही रहने देंगे, 13 है प्लस का इधर आके, सॉरी माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा अपॉन में 8। तो ये वाली टर्म तो हमारी इसमें यूज होगी नहीं, ये वाली होगी क्यों, क्योंकि हम माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 25। तो जो स्मॉलर टैंक है वो 25 आवर्स में फिल करेगा, लार्जर हमारा 25 में से माइनस 10 होगा तो कितने आवर्स में बचेगा, 15 आवर्स में। ओके सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9, थैंक्स।